वेलकम एवरीवन। हमारे आज की क्लास में हम लोगों ने कल एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर पढ़ा था डी ब्रूई हाइपोथेसिस, है ना, जिसके अंदर लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी हमने सीखा था कि डुअल नेचर होती है इलेक्ट्रॉन की, वेव नेचर भी होती है और पार्टिकल नेचर भी होती है। आज उसी के बाद एक बहुत छोटा सा टॉपिक है हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, हम वो डिस्कस करेंगे। 5-10 मिनट का टॉपिक है और उसके बाद इस चैप्टर के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक पे चलते हैं जो कि है क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स से ना हमेशा क्वेश्चन आता ही है एग्जाम में, तो हम लोग आज क्वांटम नंबर्स के बारे में सीखेंगे। चलो, हाइजेनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग जो साइंटिस्ट थे उन्होंने ये बोला कि कोई मूविंग पार्टिकल है, मतलब पार्टिकल मूविंग है, पार्टिकल है इसका मतलब उसका मास है, मूविंग है मतलब वेलोसिटी है, तो हम ऐसा बोलते हैं कोई पार्टिकल विद मोमेंटम, ठीक है, कह सकते हैं ना? यस मैम, है ना। तो पार्टिकल जिसका कुछ मोमेंटम है, तो हाइजेनबर्ग ने बोला अगर कोई पार्टिकल है इन मोमेंटम तो एक ही टाइम पर आप एक साथ उसका पोजीशन और मोमेंटम डिटरमिन नहीं कर सकते हो। अगर आप पोजीशन को एक्यूरेटली डिटरमिन करना चाहोगे तो मोमेंटम नहीं जान पाओगे। अगर मोमेंटम को एक्यूरेटली जानना चाहोगे, मतलब जानना मतलब उसको कैलकुलेट करना चाहोगे, तो आप पोजीशन में एरर कर दोगे। दोनों चीजें एक साथ एकदम करेक्टली एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो। मोमेंटम को एक्यूरेटली किया तो पोजीशन में एरर आ जाएगा, पोजीशन मतलब वो कहां पर प्रेजेंट है, और अगर आपने पोजीशन को एक्यूरेटली मेजर करना चाहो तो मोमेंटम में एरर आ जाएगा। आया समझ में? यस मैम। अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो जो कि मोमेंटम में है तो एग्जैक्ट उसकी पोजीशन तो ठनज है। बोलो। यस मैम। अगर कोई पार्टिकल है उसकी एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट मोमेंटम कोई पार्टिकल का आप एक्यूरेटली मेजर नहीं कर सकते हो एट द सेम टाइम, किसी ना किसी चीज में एरर आएगा ही। एक बार थोड़ा रियल लाइफ एग्जांपल से बताती हूँ और दूसरा एग्जांपल देती हूँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का, ठीक है। अच्छा, जब भी ये बंदा है और ये साइकिल पे जा रहा है, साइकिल पे नहीं, ऐसा करता है बाइक पे ले लेता है, फास्ट मूविंग पार्टिकल, हाँ बाइक पे जा रहा है, ठीक है। सो अगर आपने इसकी फोटो खींची टू डिटरमिन इसका पोजिशन, तो अगर आपने फोटो खींची आपको पता तो चल गया, इसकी पोजिशन तो पता चल गई, लेकिन फोटो खींचने पे आपको पोजिशन एक्यूरेटली पता चल गई बट आप उसका मोमेंटम नहीं जान पाए, है ना, उसकी वेलोसिटी नहीं जान पाओगे। अगर वो आपने उसकी वेलोसिटी मेजर करना चाही, है ना, मोमेंटम मेजर करना चाहा, तो आप उसकी पोजिशन नहीं जान पाओगे, ठीक है। तो एक साथ आप दोनों चीजें एक्यूरेटली एक ही समय पर नहीं मेजर कर सकते हो। इधर रियल लाइफ से अगर हम ऐसा उसको रिलेट करने का सोचे तो दूसरा तरीका इज इलेक्ट्रॉन और फोटोन की बात करते हैं हम, तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स की बात कर रहे हैं, कहा मैंने इतना बड़ा एग्जांपल दे दिया, है ना। तो माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रॉन है वो बस घूम रहा है और किसी वेलोसिटी से वो घूम रहा है। अब मैंने कहा मुझे इस इलेक्ट्रॉन की पोजिशन मेजर करनी है, ठीक है। अब जब मुझे उसकी पोजीशन मेजर करनी है, पोजीशन कैसे मेजर करूंगी, मैंने एक फोटोन उस पर फेंका, फोटोन फेंका का मतलब है लाइट उस पर डाली, कि माइक्रोस्कोप से जिससे भी इंस्ट्रूमेंट से होता है हमने उसके ऊपर लाइट डाली उसको जानने के लिए कि उसकी क्या पोजीशन है। तो ये इलेक्ट्रॉन अपना घूम रहा था, हमने जैसी उसके ऊपर लाइट डाली, ठीक है, तो फोटोन है, फोटोन एनर्जी का पैकेट है, लाइट एनर्जी का पैकेट है, वो इलेक्ट्रॉन से टकराया, उसको पता चल गया उसकी पोजीशन यहाँ पे प्रेजेंट है, बट फोटोन के टकराने से इलेक्ट्रॉन पर, इलेक्ट्रॉन ने थोड़ी सी उसको एनर्जी मिल गई ना, इलेक्ट्रॉन को थोड़ी सी एक्स्ट्रा फोटोन की जो एनर्जी है, तो उसने अपना थोड़ा सा स्लाइटली पाथ चेंज कर लिया, उसका मोमेंटम बदल गया, है ना। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून बेटा, वेलकम टू द क्लास, ठीक है। तो उसने हमने लाइट फेंकी, लाइट फेंकी का मतलब है फोटोन फेंकी, फोटोन उसके इलेक्ट्रॉन के ऊपर डाला, तो फोटोन जब इलेक्ट्रॉन से टकराया उसने पोजीशन तो मेजर कर ली उस टाइम पर, लेकिन फोटोन के इलेक्ट्रॉन से टकराने से उसका थोड़ा सा मोमेंटम चेंज हो गया, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम थोड़ा सा चेंज हो गया। तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो गया तो फिर हम लोग एक्यूरेटली पोजीशन और मोमेंटम एक साथ मेजर नहीं कर सकते हैं। क्लियर एवरीवन? यस मैम। यस मैम। गुड, तो यही हमने बात कही थी और इसी का
डेल्टा एक्स हम बोलते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, इसको सेंटीमीटर मीटर उसमें लिख रखा होता है, ऐसा यूनिट कहीं पर भी कंफ्यूजन हो जब फॉर्मूले में अप्लाई करना हो तो ऐसा यूनिट में अप्लाई कर लो। अच्छा, अब हम शुरू करते हैं बच्चों। हमने केवल इतनी बात करी है, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, बहुत छोटा सा टॉपिक है ये, इसमें कुछ नहीं है, इसके बहुत डायरेक्ट एकदम डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, फटाक से आंसर करो फुल चार नंबर अपने, ठीक है, कुछ नहीं करना है। एक ही समय पर हम किसी भी पार्टिकल का पोजिशन और मोमेंटम डिटरमिन नहीं कर सकते। अगर हम पोजिशन को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो मोमेंटम में एरर आ जाएगा, और अगर मोमेंटम को एक्यूरेटली मेजर करेंगे तो पोजिशन में एरर आ जाएगा। सिंपल सा ये जो पिछली इसमें स्लाइड में बोल रखा था कि एक आदमी चल रहा है साइकिल, मोटरसाइकिल पे चल रहा है, ओके, वेरी फास्ट था, उसका कुछ मोमेंटम है, और जब वो चल रहा है अगर हमने उसकी फोटो खींची तो हमको उसकी पोजीशन पता चल गई, लेकिन मोमेंटम नहीं पता चल पाएगा क्योंकि वो तो दिन में आगे निकल चुका है। या फिर अगर हम उसकी वेलोसिटी मेजर करें, कोई स्पीडोमीटर जैसा लेकर कुछ वेलोसिटी मेजर करें, तो उसकी पोजीशन एक्यूरेटली नहीं पता चल पाएगी। ये होता है हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। या तो हम ये कह सकते हैं, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन है वो ऐसा ऐसा घूम रहा है, ठीक है, अब इलेक्ट्रॉन की मुझे लेट्स से पोजीशन मेजर करनी है, तो पोजीशन जानने के लिए इलेक्ट्रॉन की हमने उसके ऊपर लाइट फेंकी, ठीक है, लाइट उससे टकराएगी इलेक्ट्रॉन से और हमें उसकी बता देगी क्या पोजीशन है। तो लाइट फेंकी का मतलब है कि फोटोन उसकी तरफ गया, फोटोन फेंका, तो फोटोन जब भी एक वो मूविंग इलेक्ट्रॉन से ऐसा करके इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, तो ये लेट्स से मेरा इलेक्ट्रॉन है ये, तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन से जब भी फोटोन टकराया तो फोटोन को ये तो पता चल गया इलेक्ट्रॉन की क्या पोजीशन है, बट बिकॉज फोटोन इस इलेक्ट्रॉन से टकराया तो फोटोन के इस इलेक्ट्रॉन के टकराने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम चेंज हो गया, ये वाली चीज, तब वो थोड़ा सा पार्ट से डिवाइड हो जाएगा, थोड़ा सा स्मॉल चेंज ही होगा लेकिन कुछ तो चेंज हुआ ना, तो उसका मोमेंटम चेंज हो गया, वो जो ऐसे ऐसे करके घूम रहा था फिक्स वेलोसिटी से, जो हम बोलते हैं, जो हमने बोर्स फॉर्मूले से निकाली थी 2.2 × 10⁶ Z/N m/s, तो वो वाली चीज चेंज हो गई। तो हम ये कहते हैं एक ही समय पर एक्यूरेटली एकदम मतलब बिना एरर के अगर हमको पोजिशन और मोमेंटम मेजर करना हो किसी पार्टिकल का, तो हम वो नहीं कर सकते हैं। और उसके लिए हाइजेनबर्ग ने फॉर्मूला दे दिया, ठीक है, उन्होंने बोला एरर इन पोजिशन एक्स होता है अनसर्टेनिटी इन पोजिशन, ठीक है, और डेल्टा पी होता है अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम। तो हम ये कहते हैं डेल्टा एक्स जो भी एरर पोजिशन में है मल्टीप्लाइड बाय जो भी अनसर्टेनिटी मोमेंटम में है इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π, ठीक है, और जब भी न्यूमेरिकल आप लोग सॉल्व करोगे तो ग्रेटर देन वाला सिंबल हटा देना, सीधा इक्वल टू लगा देना। अच्छा, एक और चीज, ये एच अपॉन 4π लिखा है ना, तो कई बार आपने देखा होगा ऐसे करके लिखा होता है एच बार, उसका मतलब होता है एच अपॉन 2π, ठीक है। So, अगर मेरे को h बार के फॉर्म में लिखना हो तो हम उसको h बार अपॉन 2 भी लिख सकते हैं, ठीक है। सो डेल्टा x और जो मोमेंटम है उसको हम लिख सकते हैं मास इनटू वेलोसिटी, तो जो चेंज इन मोमेंटम है या एरर जो अनसर्टेनिटी है हमारी m इनटू डेल्टा, ठीक है, मोमेंटम का फॉर्मूला होता है p इज इक्वल टू एम वी, तो डेल्टा p हो गया m डेल्टा v, मास तो सेम ही रहेगा तो वेलोसिटी ही चेंज हो सकती है। डेल्टा एक्स एम इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4π, तो डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा वी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 4πm, ये अपना फॉर्मूला बन गया, क्लियर? यस। अगर अब देखो ये हमारा फॉर्मूला है, देखो इस फॉर्मूला से कितना क्लियर हो रहा है हमको, अगर हमको x बिल्कुल अच्छे से क्लियर कट पता है कि हमारी उसकी एग्जैक्ट पोजीशन अगर हमें पता है, अगर एग्जैक्ट पोजीशन पता है तो हम बोल सकते हैं डेल्टा x इक्वल टू जीरो, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इक्वल टू जीरो, है ना, अगर हमको x नोन है, हमको उसकी एग्जैक्ट पोजीशन पता है तो हम कह सकते हैं डेल्टा x इज इक्वल टू जीरो, करेक्ट? यस मैम। डेल्टा x जीरो हुआ, इधर फॉर्मूले में अप्लाई कर दो, डेल्टा पी इज इक्वल टू एच अपॉन 4π इंटू डेल्टा एक्स, अगर समथिंग अपॉन जीरो है तो 1 अपॉन जीरो इंफिनिटी, तो डेल्टा पी अपना इंफिनिटी हो गया ना,
करेक्ट yes, एरर इन मोमेंटम इज इनफिनिटी यानी मोमेंटम में एरर आ जाएगा कुछ ना कुछ वैल्यू ये कलर दिख नहीं रहा ये कलर बच्चों हमारा फॉर्मूला है ठीक है ये हमारा फॉर्मूला है इक्वल टू लगाकर हम लोग जब भी वैल्यूज फाइंड आउट करनी होती है अगर हमको डेल्टा एक्स सॉरी पोजीशन पता है क्लियरली अगर पोजीशन हमको एक्स क्लियरली पता है तो हम बोल सकते हैं अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज इक्वल टू जीरो मतलब पोजीशन के अंदर हमको कुछ भी दिक्कत नहीं है वो एकदम एग्जैक्ट हमको पता है तो उसका एरर जीरो हो जाएगा यहाँ तक क्लियर yes, तो ये वाली चीज बेटा हमने यहाँ बुक कर दी डेल्टा वी को लिख सकते हैं एच अपॉन फोर पाई इंटू एम इंटू डेल्टा एक्स और डेल्टा एक्स जीरो है ना तो ये इन्फिनिटी आ गया एच अपॉन फोर पाई एम अपॉन जीरो तो ये इन्फिनिटी आ गया इसका मतलब एरर इन वेलोसिटी एरर इन मोमेंटम भी हम बोल सकते हैं दैट इज इक्वल टू इन्फिनिटी क्या ये समझ में आया यस मैम गुड और ऐसे ही अगर हमको वेलोसिटी पता है तो डेल्टा वी इक्वल टू जीरो कर लो तो डेल्टा एक्स ये आ जाएगा इक्वल टू इन्फिनिटी Yes, ma'am. Yes, ma'am. कर लिया एरर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एरर इन पोजीशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज टू एंगस्ट्रॉम्स फाइंड एरर इन मेजर ऑफ मोमेंटम डायरेक्टली मोमेंटम ही पूछ गया आपको मास भी नहीं करना ठीक है हम 2.5 into 10 power minus 25 किलोग्राम मीटर पर सेकंड वैल्यूज पुट कर देते हैं 6.6 into 10 raise to minus 34 upon 8 3.14 को 3 लिख लेते हैं और यहाँ पर एंगस्ट्रॉम था ना तो 10 raise to minus 10 कर देते हैं ठीक है तो ये अपना इतना केजी मीटर पर सेकंड में आ जाएगी वैल्यूज सबको ये वाली चीज समझ में आई जो मैंने यहाँ पर करा एंगस्ट्रॉम को 10 रेज़ टू माइनस 10 मीटर्स में भी कन्वर्ट करना पड़ेगा क्योंकि एच हमारा जो प्लैंक्स कांस्टेंट है वो जूल्स में है इसलिए हमको सारी की सारी एसआई यूनिट वाली वैल्यूज लेनी होंगी करेक्ट यस मैम आगे बढ़ा जाए किसी को कोई डाउट है कुछ चीज रिपीट करूं नो मैम कुछ बोर्स मॉडल के ड्रॉबैक थे जिसकी वजह से वो बाद में डिस्कार्ड किया गया था पहली चीज अनेबल टू एक्सप्लेन लाइन स्पेक्ट्रा फॉर मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम मल्टी इलेक्ट्रॉन एटम्स क्या होते हैं इसका क्या मतलब होगा एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन तो हम लोग अभी तक एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन होता है तो हम लोग अभी तक यही तो बोल रहे थे हाइड्रोजन लाइक स्पीशीज के लिए बोर मॉडल वैलिड है हम लोग लिखते थे ना हमेशा हाइड्रोजन या HE प्लस या Li2 प्लस बेरिलियम 3 प्लस Na10 प्लस हम यही तो बोल रहे थे तब से तो ये हमेशा वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए वैलिड है मल्टी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए इट इज नॉट वैलिड ठीक है अच्छा जो हमने एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा था ना जो लाइन स्पेक्ट्रा पढ़ा था अलाइनमेंट बामर पैशन ब्रैकेट फंड हम्फ्री वो जो लाइन स्पेक्ट्रम पढ़ा था तो वो वाला लाइन स्पेक्ट्रम अगर हम उसको कोई मैग्नेटिक फील्ड में लिख दे तो लाइंस स्प्लिट कर जाती हैं मैग्नेटिक इफेक्ट होता है ठीक है मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट होता है उसको हम बोलते हैं जीमेन इफेक्ट और अगर इलेक्ट्रिक फील्ड में रखे तब जो स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस होती है उनको बोलते हैं स्टार इफेक्ट
ठीक है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि मैं फिजिक्स के अंदर थोड़ा इसको डिटेल में पढ़ाता है, केमिस्ट्री में सिर्फ इनका नाम ही है और वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है नाम कि मैंने कई बार ये वाला क्वेश्चन देख रखा है, एआई ट्रिपल ई में आ रखा है, नीट में आ रखा है कि उस टर्म को क्या बोलते हैं, स्प्लिटिंग ऑफ लाइंस इन मैग्नेटिक फील्ड इज कॉल्ड, चार ऑप्शन दे रखी है, ज़ीमन इफेक्ट, स्टार्क इफेक्ट और तीन चार ऑप्शन दे रखे होंगे, तो बहुत ही आसान है, मैग्नेटिक फील्ड वाला ज़ीमन इफेक्ट, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला स्टार्क इफेक्ट, ठीक है आगे बढ़े। स्टार्क इफेक्ट याद भी है, उसमें कोई एवेंजर्स वगैरह देखता हो, वो टोनी स्टार्क, वो टोनी करते थे, याद आ रहा है थोड़ा सा, उसका कुछ नाम था ना टोनी स्टार्क, या स्टार्क का कुछ नाम है ना, उससे याद कर सकते हो, मुझे तो याद भी नहीं एवेंजर्स, लेकिन हाँ फिर अच्छा, 3D मॉडल ऑफ एटम भी एक्सप्लेन कर पाया था, बोर्स मॉडल, बोर मॉडल के अंदर एटम वॉज फ्लैट, वो 3D स्ट्रक्चर तो आइडिया होगा ना, SPDF ऑर्बिटल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन एटम का 3D मॉडल होता है, वो तो सिंपल अपना 2D मॉडल की बात करते हैं, न्यूक्लियस और बाहर इलेक्ट्रॉन्स, वही इलेक्ट्रॉन्स ऐसे ऐसे जो पूरा 2D मॉडल था, तो 3D मॉडल की बात नहीं करी इन्होंने, जो हमारा P के ऐसे ऑर्बिटल्स होते हैं, S का ये वाला स्फेरिकल वाला, D ऑर्बिटल जो होता है वो डबल डम्बल होता है, ये सारी चीज ने नहीं बताई थी। क्लासरूम नोट्स बहुत अच्छे हैं, अगर आप लोग क्लासरूम नोट्स से करोगे, बहुत सालों के नोट्स है ये, क्लासरूम नोट्स अच्छे से करोगे तो आपके बहुत अच्छे से जो है आप लोग कॉम्पिटिशन के लिए तैयारी कर सकते हो, ठीक है, क्लासरूम नोट्स बहुत अच्छे से करना, बच्चे क्लासरूम नोट्स छोड़ देते हैं। अच्छा अच्छा, उसके बाद ये बोर्स मॉडल जो है मॉलिक्यूल्स की शेप भी नहीं बता पाया, मॉलिक्यूल्स की शेप मतलब कि वाई कार्बन डाइऑक्साइड लीनियर होता है, मतलब CO2 लीनियर होता है कार्बन डाइऑक्साइड, लेकिन SO2 प्लेनर, या इसको ट्राइगनल बोल देते हैं, ट्राइगनल प्लेनर होता है, ऐसे होता है, और CO2 ऐसे होता है, क्यों ये लीनियर है, क्यों ये प्लेनर है, ये भी नहीं बता पाया। ओके नेक्स्ट, तो बोर्स मॉडल में डीब्रोई कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी नहीं था, ये काफी बाद में डिस्कवर हुए, ठीक है, तो ये वाले जो है डीब्रोई कॉन्सेप्ट और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल भी नहीं बताया था, ये स्ट्रिक्टली सिर्फ एग्जाम में लिखने के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, जो बोर्ड के एग्जाम होंगे। यस मैम। पढ़ रहे बच्चों, चलो JEE 2019 का क्वेश्चन है, जल्दी से सॉल्व करो। P मोमेंटम है, ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये, P इज द मोमेंटम कोई इलेक्ट्रॉन का, ठीक है, फ्रॉम अ मेटल सरफेस आफ्टर इरेडिएशन ऑफ लाइट हैविंग लैम्डा, तो P एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है, वो अपना अपने ऑर्बिट में आराम से रिवॉल्व कर रहा था, अचानक हमने उसको ऊपर फोटोन डाला, ठीक है, उसकी लैम्डा वेवलेंथ के साथ, ठीक है, और वो पी मोमेंटम से बाहर गया, ठीक है, उसका पी मोमेंटम हो गया। अगर हम लैम्डा की जगह, सॉरी, अगर हमने वो 1.5 पी मोमेंटम से निकालना हो तो लैम्डा कितना होना चाहिए? ऑप्शन सी, ऑप्शन सी, थोड़ा सा और सॉल्व कर बेटा, इसके अंदर उन्होंने एक अजम्पशन दे रखी है, अज्यूम काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड photon to be very high in comparison to work function. एक बार देख लो, एक बार सोचो, फिर मैं इसका बताती, वाला अच्छा क्वेश्चन है। एक इलेक्ट्रॉन चल रहा था, ठीक है, मोमेंटम ऑफ फास्टेस्ट इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड, एक इलेक्ट्रॉन जो है जब वो इजेक्ट हुआ, जब उसको लैम्डा रेडिएशन से फोटॉन उसके ऊपर डाला था, लैम्डा डाला था, तब वो पी मोमेंटम से इजेक्ट हुआ। अगर हमको 1.5 पी से इजेक्ट कराना है तो उस केस में कितना लैम्डा होना चाहिए, थोड़ा सा ऐसे करके लिख देते हैं, इजेक्टेड फोटोन की जो काइनेटिक एनर्जी होती है
याद है उसका फॉर्मूला, इजेक्टेड फोटोन की काइनेटिक एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी एनर्जी डाली माइनस वर्क फंक्शन. मैम ऑप्शन सी. ऑप्शन सी मेरे पास ए क्यों लिखा बैठे. ओके देखते हैं बेटा, मेरे पास यहाँ पर ए लिख रखा है, अभी सॉल्व करते हैं. ओके चलो. यस मैम. काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, कितनी एनर्जी डाली थी माइनस वर्क फंक्शन. अब इन्होंने क्या बोल रखा है, काइनेटिक एनर्जी जो है इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की भी वेरी हाई इन कंपैरिजन टू वर्क फंक्शन. काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है, तो इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी बहुत हाई है तो काइनेटिक एनर्जी ऑलमोस्ट ई के बराबर है. ये चीज समझ में आई? यस मैम. मैं यहाँ पर दिखाती हूँ, काइनेटिक एनर्जी इज ई माइनस फाइव. ठीक है, कितनी हमने एनर्जी डाली थी, कितनी हमने एनर्जी डाली माइनस वर्क फंक्शन. ये ऐसे करके समझो कि ये मेरा हाथ एक मेटल की प्लेट है, इस पे हम लोग जब भी फोटोन डाल रहे हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकलता है, पर मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम दिस मेटल का प्लेट वो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है. ठीक है, कम से कम 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए तभी यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा. अगर मैंने जो बाहर से मैं एनर्जी डाल रही हूँ, जो फोटोन डाल रही हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला तो इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला तब भी इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का निकाला तो जस्ट इनफ है निकला, लेकिन कुछ हुआ नहीं, कुछ एनर्जी नहीं है इसकी, उसके पास वेलोसिटी तो जीरो ही है. 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का डाला, 5 तो उसको निकालने में यूज हो गया, बाकी 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो बचा वो उसकी काइनेटिक एनर्जी थी. तो 6 जो मैंने 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो यहां से डाला, दैट इज माय एनर्जी जो मैंने डाली. E, phi जो लिखा है ये होता है वर्क फंक्शन की, कम से कम 5 तो चाहिए ही. ठीक है, और उसके बाद जो बाकी बचा हुआ था 6 माइनस 5 वो उसकी काइनेटिक एनर्जी. इट्स लाइक दिस, मैं बैठी हुई हूँ, मुझे अगर कोई 2 साल का बच्चा आके धक्का देगा तो आई विल नॉट मूव, मैं नहीं हिल पाऊंगी क्योंकि वो 2 साल के बच्चे में एनर्जी बहुत कम है. लेकिन मेरे को कोई तुम आके धक्का दोगे तो तुम्हारे में एनर्जी है, तुम मुझे धक्का दोगे तो मैं आगे पुश हो जाऊंगी, मैं आगे मूव कर जाऊंगी. और तुम्हारी जगह कोई 200 किलो का आदमी मुझे धक्का देगा तो मैं और ज्यादा तेज आगे को पुश होंगी, राइट? तो वो वाली चीज. ठीक है, तो कितनी एनर्जी डाली माइनस वर्क फंक्शन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी. और उन्होंने क्या बोला, काइनेटिक एनर्जी ऑफ जो इलेक्ट्रॉन निकला है वो बहुत हाई है कंपेयर टू वर्क फंक्शन. यानी कि अगर काइनेटिक एनर्जी बच्चों बहुत हाई है, बहुत 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 हाई है वर्क फंक्शन के कंपैरिजन में, तो हम बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एनर्जी जो हमने डाली थी. एग्जांपल से देखो कि ये 10,000 जूल्स है, ये 1 जूल है, तो 10,000 में से 1 घटाओगे तो 9,999 हुआ ना, तो काइनेटिक एनर्जी कितनी हुई, 9,999 लगभग लगभग 10,000 ही बोल सकते हैं उसको. यस मैम. ये बस मैम, तो काइनेटिक एनर्जी ई के लगभग लगभग बराबर है, तो हमने ये लिख दिया काइनेटिक एनर्जी ई के लगभग लगभग बराबर है. काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, हाफ एम वी स्क्वायर, और जो एनर्जी है. अच्छा आप थोड़ा सा एक बार कोशिश करके देखोगे, बहुत इजी हो गया. अब यहां से काइनेटिक एनर्जी को हमने कल एक फॉर्मूला डिराइव किया था मोमेंटम के टर्म्स में, वो क्या फॉर्मूला था बच्चों? E बराबर hc अपॉन लैम्डा. लैम्डा p इज इक्वल टू 2mk. काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला उससे ये समझ में आता है यार, बट k इज इक्वल टू hv h न्यू. काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर. mv स्क्वायर इज मैम p स्क्वायर बाय 2m into m. हाँ, p square by 2m. तो ये क्या बन गया, half m square v square upon m. m. और ये क्या बन गया, kinetic energy का मतलब कितना हो गया, p square m square v square upon m. आया समझ में? Yes. किस किस को doubt है इसमें, जिनको समझ में आ गया equate कर दो. kinetic energy 1 upon kinetic energy 2 hc by lambda एनर्जी का 1 अपॉन by lambda 2. चलो जो लोग को समझ में आ गए वो लोग इक्वेट करो और आंसर निकालो. और
समझ में नहीं आया तो बताओ, मैं रिपीट करूं। डाउट है, रिपीट करूं? नो मैम। चलो फिर सॉल्व करो, जल्दी से आंसर बताओ। ये ऑप्शंस है अपने, हमें 1.5 पी है ना? हाँ, डेढ़। फोर बाय नाइन लैम्डा। फोर बाय नाइन लैम्डा। फोर बाय नाइन। फोर बाय नाइन लैम्डा। अच्छा, मैंने आई थिंक ऑप्शंस गलत लिखे थे शायद। यस मैम। फोर बाय नाइन लैम्डा। यस ठीक है, ये आंसर है। आई थिंक ये फोर बाय फाइव नहीं होगा, ये फोर बाय नाइन। सर पी स्क्वायर है ना? नहीं, ठीक है बेटा, सही है मैम। फोर बाय नाइन लैम्डा ऑप्शन सर, उसमें फाइव की जगह नाइन होगा। ये ए लिखा था ना इधर, ऑप्शन ए नाइन होगा। सब लोग को समझ में आया? यस मैम। किसी को डाउट है आगे बढ़ू कि कुछ समझाऊं? एक बार समझा दो। मैं एक बार समझा। तो हम बोल रहे हैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट तो क्लियर होगा ना अभी तक? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में तो कोई डाउट नहीं ना? नो मैम। है ना, तो हमने क्या बोला कि यहाँ से जो मेरा ये वाला हाथ है, राइट हैंड मेरा, सो राइट हैंड से ये एक फोटोन आ रहा है। ये लेफ्ट वाला हैंड जो है, यहाँ पर जो ये मेटल की प्लेट है, तो ये फोटोन आया, इसने अगर इस फोटोन के पास सफिशियंट एनर्जी होगी, जैसे हमने कहा था ना ब्लू वाले बल्ब से, रेड से नहीं हो रही है, ब्लू बल्ब से हो रही है, तो ऐसे वाली चीज, ये फोटोन आ रहा है, ये इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कर बाहर निकाल देगा, प्रोवाइडेड इस फोटोन में एनफ एनर्जी है, तभी ये वाला काम ऐसा वो कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग लिख देते हैं काइनेटिक एनर्जी इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन इजेक्ट हुआ मतलब निकला, इक्वल टू हमने जो एनर्जी डाली थी माइनस वन रिएक्शन की। अगर हमने इलेक्ट्रॉन यहां से निकालने के लिए पांच जूल्स चाहिए, तो अगर मैंने ये पचास जूल्स डाली, तो पचास डाली तो पांच तो इलेक्ट्रॉन निकालने में खर्च हो गई, बची भी 45, उसकी काइनेटिक एनर्जी हो गई इलेक्ट्रॉन की। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू कितनी एनर्जी हमने डाली थी माइनस वर्क फंक्शन। जो पांच जूल्स थी ना, जो मैंने पचास डाल के पांच खर्च हो गई उसको इलेक्ट्रॉन को निकालने में, वो पांच जूल्स को कहते हैं वर्क फंक्शन। ओके, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई माइनस वर्क फंक्शन। अब वो यहाँ पर कह रहे हैं जो मेरा इलेक्ट्रॉन निकला ना, इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन निकला उसकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज्यादा है वर्क फंक्शन के कंपैरिजन में। मतलब आपने 10,000 जूल्स डाली, उसको खर्च सिर्फ एक जूल ही हुई इलेक्ट्रॉन को निकालने में, बाकी 9,999 उसकी काइनेटिक एनर्जी बन गई। तो क्योंकि यहाँ पर ये कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी इज मच ग्रेटर देन वर्क फंक्शन, मतलब ये वाली चीज, तो हम लोग बोल सकते हैं काइनेटिक एनर्जी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू एनर्जी। यहाँ तक कोई शक, कोई डाउट? नो मैम। नो मैम। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ई, और काइनेटिक एनर्जी को हम लिख सकते हैं पी स्क्वायर अपॉन 2m, ये तो सबको आता है, और एनर्जी को लिख सकते हैं एक्स बाय लैम्डा। यस मैम। तो इसी को हमको इक्वेट कर देना है यहाँ पे, तो यहाँ लिख लो K1 by K2 is equal to HC by lambda 1 upon HC by lambda 2. So K1 upon K2
तो ये इज इक्वल टू लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन. और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, पी स्क्वायर बाय टू एम, इलेक्ट्रॉन का मास तो सेम ही रहेगा, तो पी वन स्क्वायर अपॉन पी टू स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा टू अपॉन लैम्डा वन. पहले हमारा p था, दूसरी बार डेढ़ पी, ठीक है, पी स्क्वायर अपॉन 1.5 उसका स्क्वायर, लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 लैम्डा गिवन है. क्लियर? इसको सॉल्व करते हैं हम, तो आ जाता है पी स्क्वायर और डेढ़ होता है 3/2, यानी कि 9/4 पी स्क्वायर इज इक्वल टू लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा. तो ये पी स्क्वायर से पी स्क्वायर कट गया, lambda 2 is equal to 4 lambda upon 9. Clear? Yes, ma'am. Ma'am, is that right? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो, JEE 2019 का question. Ma'am, is that right? कोई कुछ कह रहा था जितना, जब तक बाकी बच्चे सॉल्व करें, किसका डाउट है, क्या पूछना है बेटा बताओ. एक्साइटेशन एनर्जी का फॉर्मूला लिखवा रखा है, बहुत आसान है. एक्साइटेड स्टेट की एनर्जी का बहुत ही आसान है फॉर्मूला. मेरा कितना आसान क्वेश्चन है भाई. मैम फॉर्मूला ही भूल गया. शाबाश. अब इसमें तो कुछ नहीं कर सकती मैं. एक बार रिवाइज करवा देती हूँ फॉर्मूला है. रेडियस होता है nth वाले के अंदर 0.53 n² / z², एक्चुअली, ठीक है. वेलोसिटी होती है 2.18 × 10⁶ z/n m/s, और एनर्जी का होता है, तीन फॉर्मूले बस, इसलिए बोलते बच्चों अगर अच्छे. हाँ, ऑप्शन सी. सिक्स पॉइंट पक्का? यस मैम. हीलियम का है ना, -13.6. जेड कितना हो गया हीलियम के लिए, 2 का स्क्वायर है ना. और सेकंड ऑर्बिट5/6 के लगभग है ना. यस मैम. यस मैम. करेक्ट, सबको समझ में आया? यस मैम. यस मैम. ये खत्म. अब हम स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर्स. क्या किसको कोई डाउट है, कुछ पूछना है? अब क्वांटम नंबर्स अलग से ही अपना क्वांटम नंबर्स करना है हमको, और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन वो बहुत इंपॉर्टेंट है. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ना आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट के उससे कम, लेकिन हम लोग डिटेल में कर लेंगे. उसके मैंने एडवांस का क्वेश्चन भी डाल रखा है. यस मैम. मैम इसका आंसर -5.45 आ रहा है. हैं? मल्टीप्लाई करके? नो मैम, इतना आ रहा. मैम जो इससे पहले की क्वेश्चन, ये वाले से पहले वाला क्वेश्चन. यस मैम. मैन ए आ रहा है. हाँ ए, करेक्ट, ए इज करेक्ट. गुड गुड गुड. मुझे दो मिनट दो, मुझे वाला स्लाइड खोलना है. यार ये भी क्वेश्चन लिख रखा है, प्लीज सॉल्व करो, फिर उसके बाद क्वांटम नंबर्स पे चलते हैं. जेई 2019 का क्वेश्चन है, जनवरी वाला. मैम क्या लिखा है, मस्कुलर पेन.
मुझे भी एक बार देख के लगा मैं भूल गई थी कि बायो कितनी आगे स्लाइड. हीट ट्रीटमेंट ऑफ मस्कुलर पेन, जब मसल्स में पेन होता है तो हीट से उसको ठीक करते हैं. तो इसको हमको लैम्डा जो वेवलेंथ डालनी पड़ती है वो है 900 नैनोमीटर. ठीक है, विच स्पेक्ट्रल लाइन ऑफ हाइड्रोजन एटम कैन बी यूज फॉर दिस पर्पस. कौन सी स्पेक्ट्रल लाइन यूज कर सकते हैं, याद है कल की क्लास में किया था, डेल्टा ई इज इक्वल टू माइनस 13.6 इनटू जेड स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर प्लस ना. आंसर बताओ इनमें से किसके अंदर जो है ये वाला आएगा. अच्छा इन्होंने तो वो भी नहीं कर रखा, इन्होंने बोल दिया रिडबॉक्स कांस्टेंट दे रखा है, तो ऐसे करके कर लो 1/λ इनटू रिडबॉक्स कांस्टेंट z स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर 1 - 1/N1 स्क्वायर. लैम्डा निकल गया एक बारी, फिर e कर देना xc/λ तो एनर्जी निकल जाएगी. यस मैम. इसके अंदर चेक कर लो कौन से वाले के लिए आ रहा है आपका आंसर. मैम इन्फिनिटी से 1 लाइमन. मैम ऑप्शन बी. एक सेकंड चलो एक बार ही करो, मैं इसका वो देखती हूँ, मैं ये वाला इसका आंसर देखती हूँ. मैम कैलकटा की वैल्यू आनी है 900. मैम कैलकटा 900 और रिडबॉक को भी 900 ले लेते, 910 था. मैम लाइमन काटो, लाइमन हाइड्रोजन तो 1 ही है, काम खत्म. 1/N1 स्क्वायर माइनस अरे 1/N2 लाइमन आ रहा है. यस मैम डायमंड. तो इजी क्वेश्चन था. यस मैम. कुछ भी नहीं करना था इसके अंदर. मैम हाइड्रोजन था इसके लिए इन्फिनिटी और 1 होता है ना. 1/λ यहां पर 1/900 हो रहा है. रिडबॉक्स ने कल बताया था 900 क्या रहा, तो उसको 900 ले लेते हैं. z को 1 ले लिया, 1 का स्क्वायर 1/N1 स्क्वायर माइनस 1/N2 स्क्वायर इसकी वैल्यू बना लीजिए. यस बस काम करो. चलो अब अरे सबको क्लियर है, कोई डाउट्स तो नहीं, आगे बढ़ूं मैं? यस मैम. ठीक है. सो कितना आसान क्वेश्चन था यार जेई 2019 का. ये सिर्फ इसलिए डालती हूँ, जेई या नीट सबका लेवल सेम सा ही है, जेई का थोड़ा सा टफ आता है, बट नीट के बच्चे भी जेई का पूरा करे सॉल्व, क्योंकि जेई कर लोगे आपका डेफिनेटली अच्छा रहेगा यार. कम से कम 600 से ऊपर नंबर लाने हैं, 625 650 कम से कम मिनिमम. अच्छा अब हम पढ़ते हैं क्वांटम नंबर्स, 3D मॉडल ऑफ एटम की बात करेंगे. क्वांटम नंबर्स, क्वांटम नंबर्स हमारे होते हैं 4. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर. ये ना हमको बताते हैं इलेक्ट्रॉन का पूरा पता. मतलब जब हम क्वांटम नंबर्स की बात करते हैं तो हम ऐसे बोलते हैं कि जब हम आपकी बात करें कि आपका अगर हमें पूरा का पूरा पता बताना हो कि आप इस इंडिया में रहते हो, इंडिया के अंदर उत्तराखंड में रहते हो, उत्तराखंड के अंदर इस जगह पर रहते हो, इस जगह के ऊपर इस घर में रहते हो, इस घर के अंदर इस कमरे में रहते हो, इस फ्लोर पे रहते हो, मतलब पूरा का पूरा एड्रेस. तो इलेक्ट्रॉन की पूरी लोकेशन हमको अगर बतानी हो तो हम यूज करते हैं क्वांटम नंबर्स. ये 4 क्वांटम नंबर्स होते हैं जो कि इलेक्ट्रॉन के बारे में पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं. इलेक्ट्रॉन का पूरी की पूरी इंफॉर्मेशन देते हैं, जिनको हम 4 क्वांटम नंबर्स हैं. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जिसको हम स्मॉल एन से लिखेंगे. मैम एक्सक्यूज मी,
मैम प्रीवियस वाले का ऑप्शन बी आ रहा है. नो मैम सी है. मैम सी है. मैम गूगल में सी आ रहा है उसका. गूगल में गूगल पर भी. अच्छा मैं थोड़ी देर में अलग से पेन पेपर पे सॉल्व करके फिर बता दूं. ठीक है. गूगल गलत है मैम. कोई बात नहीं. हो सकता है कुछ मिस्टेक कर रही हो. 10 बज जाते हैं वो. अगर एनर्जी निकालेंगे तो 2.2 इंटू 10 की पावर माइनस 19 आ रहा है, जबकि वहां तो अपॉन 10 बच जा रहा है. अच्छा ओके. तो मैं एक बार क्वेश्चन को चेक कर हो सकता है मैंने हैंड रिटन क्वेश्चंस लिखे हैं कुछ गड़बड़ कर रही हो. मुझे टाइम दो अभी थोड़ा ये करते हैं और फिर मैं उसको अलग से पेन पेपर पे सॉल्व कर आपको वो शेयर कर दूंगी ग्रुप पे. ठीक है. हमारे मैम एक बार मॉडर्न थ्योरी बता देना जरा इलेक्ट्रॉन्स के लिए. मॉडर्न थ्योरी जो बोर वाली फेल हो गई थी तो उसके बाद जो मॉडर्न आई उसके बाद यही है. बोर के बाद हम लोग यही कर रहे हैं. वो मॉडर्न फिजिक्स के अंदर होता है और आगे डिटेल में जब भी जाते हैं हम. ये मुझे फिजिक्स नहीं आती केमिस्ट्री बता सकती हूँ. बोर के बाद अपने ने यही करनी है. एक श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आती है तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन हम लोग करेंगे. मैं यहाँ पर थोड़ा सा ये हम लोग इक्वेशन थी कि अब इलेक्ट्रॉन के बारे में जब हम बात कर रहे थे एटम का जो बोर मॉडल है वो करेक्ट है. वो वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के लिए अप्लाई किया था जिससे वन इलेक्ट्रॉन स्पीशीज के अंदर ही हम लोग रेडियस वगैरह वो सब कुछ बता रहे थे. वो वहीं पर खत्म हो जाती है. उसके बाद हम लोगों ने जो है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन आई. श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ने एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की अब हम बात कर रहे हैं और उसी के साथ साथ हमने जो है क्वांटम नंबर्स दिए तो वो वाली चीज को हमने डिस्कस करना है. बस उसमें इतना ही है केमिस्ट्री के अंदर. मैं ये नहीं पूछ रहा अभी इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल्स में रहते कैसे हैं. हाँ वो वाली चीज मैं भी एक्सप्लेन करूंगी. शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल. वो जैसे हम अपनी बात करें ना तो आई स्टे इन इंडिया. इंडिया के अंदर आई स्टे इन गाजियाबाद. गाजियाबाद के अंदर आई स्टे इन जो हमारा राजनगर. तो ऐसे करके तो इलेक्ट्रॉन के लिए जो है अपना शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल. तो वो ऑर्बिटल को अभी हम डिस्कस करेंगे. ओके. हमारी ये चार क्वांटम नंबर्स थे. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर उसको बोलते हैं स्मॉल एन से रिप्रेजेंट करते हैं. ठीक है. अजीमुथल क्वांटम नंबर को एल से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं. कई बार ना एम सबस्क्रिप्ट एल भी लिखा होता है. ठीक है दोनों एक ही बात है. और फिर स्पिन क्वांटम नंबर जिसको हम एस से लिखते हैं या फिर कभी कभी ये हमारे चार क्वांटम नंबर्स हैं जिनको हमने पढ़ना है. सबसे पहले हम बात करते हैं प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की. ठीक है. प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एन से. ये हमें बताता है इलेक्ट्रॉन कौन से शेल में प्रेजेंट है या कौन से ऑर्बिट में प्रेजेंट है. जो हमारा अभी तक मॉडल ऑफ एटम था ना जो बोर ने कहा था वही हम यूज कर रहे हैं. लेकिन मल्टीपल इलेक्ट्रॉन सबके लिए अब अप्लाई कर रहे हैं. सबके लिए सारे इलेक्ट्रॉन मतलब मल्टी इलेक्ट्रॉन. ये तो अपना न्यूक्लियस हो गया जिसमें प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स है. उसके बाद के शेल, एल, एम, एन, ओ, सो ऑन. और के अंदर n इज इक्वल टू 1, l में n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4. तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर हमको बताता है कि कौन सा शेल है. इसको हम शेल बोलते हैं या ऑर्बिट. शेल और ऑर्बिट दोनों वर्ड्स करेक्ट है. तो हम कौन से शेल में, फर्स्ट में कि सेकंड में कि थर्ड में कि फोर्थ में. ओके तो ये हो गया हमारा प्रिंसिपल क्वांटम नंबर जो कि हमें बता रहा है कौन से ऑर्बिट या कौन से शेल में हमारा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है. और जिस शेल में होगा उस हिसाब से हम लोग एनर्जी बता सकते हैं. इसकी एनर्जी कम, इसकी एनर्जी ज्यादा,
और ज्यादा एंड सो ऑन, दूर जाते जाते एनर्जी इंक्रीज कर रही है. ओके, एन की वैल्यू 1, 2, 3, 4, तो के एल एम एन ओ ऐसे करके चलेंगे. अच्छा, एक शेल में कितने सब शेल्स होंगे उसका फॉर्मूला इज दिस. सब शेल्स जो होते हैं ना वो हमको बताता है कि दूसरा वाला क्वांटम नंबर जो कि अजीमुथल क्वांटम नंबर है वो हमको नंबर ऑफ सब शेल्स बताता है. ठीक है, तो ये एक बस याद करने के लिए मैंने ट्रिक जैसे लिख दिया है कि आपको अदरवाइज हमको समझने से आना चाहिए कि समझ क्या है. फॉर्मूले तो याद करना टफ होता है, समझ में क्लियर नहीं दिख रहा. या नीचे पांच वाला पॉइंट, पांचवा पॉइंट नहीं दिख रहा, कट रहा है. उसके नीचे वाली लाइन नहीं दिख रही दूसरी. अच्छा, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इधर चौथे पॉइंट में लिखा है कि एक ऑर्बिट में कितने सब शेल्स होते हैं वो एन, और एक ऑर्बिट में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं वो एन स्क्वायर. यस मैम. एक और मैं यहाँ लिख देती हूँ, अगर एन हमारा ऑर्बिट है तो उसके अंदर के सब शेल्स हो गए एन और ऑर्बिटल्स हो गए एन स्क्वायर. एन तो सबको समझ में आ गया, शेल KLMN 1, 2, 3, 4. अब जैसे फर्स्ट है ना, फर्स्ट के अंदर केवल S सबशेल ही प्रेजेंट होता है. S का मतलब होता है स्फेरिकल, इलेक्ट्रॉन को पाने की डेंसिटी जहां मैक्सिमम हो, S सबशेल. S ऐसे करके होता है जो डॉट डॉटेड बना रखे ना, वहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की टेंडेंसी मैक्सिमम है. वन में केवल S ही होता है, एक ही सबशेल होता है. सबशेल होता है हमारे S, P, PDF. ये हमारे सबशेल्स हैं, सिर्फ इतना ही है. अभी PX, PY, PZ पे नहीं जाएंगे, केवल ये हमारे सबशेल्स हैं. तो ये हमारे देखो, वन में केवल S होता है, टू में 2S और 2P होता है. N ऑर्बिट में नंबर ऑफ सबशेल्स इज N हुआ ना. एक में सिर्फ फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबशेल होता है, सेकंड ऑर्बिट में दो सबशेल्स होते हैं, नंबर ऑफ सबशेल्स N. थर्ड ऑर्बिट में 3s, 3p, 3D, तीन सबशेल होते हैं, तो n ऐसे. फोर वाले में चार होने चाहिए, 4s, 4p, 4d. तो नंबर ऑफ सबशेल्स n, और अभी ऑर्बिटल्स की बात करेंगे n स्क्वायर थोड़ी देर में. ठीक है, मैं ऑर्बिटल्स भी समझाए नहीं है, px, py, pz धीरे करके समझाऊ. मैम जी क्यों नहीं होता है, हम लोग वो पढ़ते नहीं है एक्चुअली. जी भी होता है, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर हो जाता है. डी तक ही हम लोग बनाते हैं, एफ का 8-fold स्ट्रक्चर होता है, वो भी बनाया जाता है हमसे. जी तो पता नहीं कितना होता है, मुझे पता भी नहीं है. मतलब एस पी डी तक ही हम लोग करते हैं जो हम लोग स्ट्रक्चर की बात करते हैं. yes. ठीक है, अपने कोर्स में इतना ही है. नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स एन स्क्वायर और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स is 2n square. ठीक है, ये फॉर्मूले मैंने लिखते हैं लेकिन किसी काम के नहीं, इतने जरूरी नहीं है. अगर आप कॉन्सेप्ट समझ जाओ तो, कॉन्सेप्ट नहीं समझे तो फिर फॉर्मूले याद करने पड़ेंगे. n ऑर्बिट, नंबर ऑफ सबशेल्स n, नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स n square, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2n square. ठीक है, अच्छा, उसका एंगुलर मोमेंटम, किसी ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम की हम बात करते हैं तो mvr इज इक्वल टू nh बाय 2π. ये हमारी फाउंडेशन थी बोर्स मॉडल की. yeah. ये हमारा ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम है. ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू mvr इज इक्वल टू nh अपॉन 2π. क्लियर? यस मैम. चल आगे बढ़ते. दूसरा क्वांटम नंबर, अजीमुथल क्वांटम नंबर, ये दिया था एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम है समरफील्ड. ये एक साइंटिस्ट ने दिया था, साइंटिस्ट का नेम इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट बाय चांस कभी आ गया एग्जाम में तो ठीक है, अदरवाइज कभी आया नहीं एग्जाम में. अजीमुथल क्वांटम नंबर को हम सबसीडियरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, सेकेंडरी क्वांटम नंबर भी कहते हैं, ऑर्बिटल क्वांटम नंबर भी कहते हैं. ये इसके अलग अलग नाम है और इसको हम डिनोट करते हैं स्मॉल एल से. स्मॉल एल,
अजीमुथल क्वांटम नंबर, और एल की वैल्यू ना जो लाई करती है वो जीरो टू एन माइनस वन लाई करती है। सब शेल्स बताता है ये, एस पी डी एफ सब शेल्स बताता है। तो इसका मतलब जब क्या लिखा, जब एन इक्वल टू वन था, एन इक्वल टू वन, एन इक्वल टू वन में एल की वैल्यू क्या होगी, जीरो माइनस वन, जीरो। यस मैम, एल की वैल्यू जीरो, और जब एल की वैल्यू जीरो होती है तब हम बोलते हैं एस, एल की वैल्यू वन तब हम बोलते हैं पी, एल की वैल्यू टू पी, एल की वैल्यू थ्री तो एफ। इन एस पी डी एफ की वो भी होती है, एस मतलब शार्प, पी मतलब प्रिंसिपल, डी मतलब डिफ्यूज्ड, एफ फंडामेंटल। ठीक है, शार्प, डिफ्यूज्ड, प्रिंसिपल, फंडामेंटल, एस पी डी एफ। ठीक है, अच्छा एन इक्वल टू वन में एल इक्वल टू जीरो हुआ, इसलिए केवल वन एस ही एग्जिस्ट करता है, जो थोड़ी देर पहले हमने पढ़ा था, केवल वन एस सबशेल है। जब एन इक्वल टू टू है तो एल की वैल्यू जीरो और एल की वैल्यू वन, क्योंकि जीरो टू एन माइनस वन लाइक करे ना, जीरो टू वन लाइक करे, तो एल की वैल्यू जीरो भी होगी वन भी होगी, तो टू एस और टू पी। क्लियर, कोई डाउट, कोई कुछ समझना है? नो मैम। एन इक्वल टू थ्री, एल की वैल्यू क्या क्या हो जाएंगी, जीरो वन टू, मैम जीरो वन टू, तो थ्री एस, थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी। तो यही हमने पिछले उसमें कहा था, जो ऑर्बिट नंबर होगा उस ऑर्बिट में उतने ही सबशेल्स होंगे। फर्स्ट ऑर्बिट में एक ही सबशेल, सेकंड ऑर्बिट में दो सबशेल, थर्ड ऑर्बिट में तीन सबशेल्स। एन इक्वल टू फोर में एल इक्वल टू जीरो वन टू, जीरो वन टू थ्री, फोर एस, फोर पी, फोर डी, फोर एफ। ठीक है, क्लियर? यस मैम। ऐसे आप फाइव के लिए भी निकाल सकते, पर उतना हम लोग जाते नहीं है, फाइव के अंदर भी फाइव एस पी डी एफ तक ही करते हैं, उसके आगे फाइव जी तक भी नहीं जाते। अच्छा, और ये डिस्क्राइब करता है कितने सबशेल्स प्रेजेंट है, और सबशेल्स की भी ना एनर्जी होती है। जैसे हम जब टू एस और टू पी की बात करते हैं, तो टू एस और टू पी की एनर्जी की हम बात करेंगे थोड़ी देर में, पढ़ाऊंगी ऑक्बॉर रूल और ये एनर्जी के टर्म्स में बात करूंगी। थ्री एस पे थ्री एस, थ्री पी, थ्री डी, इस तरह कर बात करते हैं। फिर टू एस की कम होती है, थ्री एस थ्री पी की एनर्जी कम होती है थ्री डी की कंपेरिजन में, फिर फोर एस की एनर्जी कम होती है फोर पी, फोर डी, फोर एफ की कंपेरिजन में। ठीक है, इसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। ये हमको एनर्जी बताता है सबशेल की। ओके, और ये अपनी टेबल, ये मैंने लिख रखा था एन इक्वल टू वन टू थ्री के लिए, एन इक्वल टू फोर के लिए। ऑर्बिट नंबर एन हमेशा वन से ही शुरू होता है, फर्स्ट ऑर्बिट, सेकेंड ऑर्बिट, थर्ड ऑर्बिट, और जो एल है अजीमुथल क्वांटम नंबर वो जीरो से, जीरो। ये बात, एल इक्वल टू जीरो पे एस, एल इक्वल टू वन पे पी, एल इक्वल टू टू पे डी, एल इक्वल टू थ्री पे एफ। मैम पहला पेज दिखाओगे, पुराना वाला पेज देखो बेटा। यस मैम। मैम डन, इसके अंदर मैक्सिमम नंबर ऑफ, अच्छा देखो अभी सबशेल की हम बात कर रहे हैं, ऑर्बिट में तो सबशेल्स थे, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल्स आएंगे, है ना, क्या लिख देती ऑर्बिट के अंदर थे सबशेल्स, एसपीडीएफ हमारे सबशेल्स है, और सबशेल्स के अंदर है बच्चों ऑर्बिटल्स। ऑर्बिटल्स अगर हम थोड़ा सा बात यहाँ पर कर देती हूँ समझाने के लिए, एस का एक सिंगल स्फेरिकल होता है, कोई डायरेक्शन नहीं होती। पी जो होता है ना, पी की शेप होती है ऐसे, ठीक है, और जो हम पी को बताते हैं पी एक्स, पी वाई और पी जेड, इन तीन डायरेक्शन में आते हैं। मतलब ऐसा डंबल जैसा सोचो, तो ये एक्स डायरेक्शन में, ये वाई डायरेक्शन में और ये Z डायरेक्शन में। ठीक है, अपने घर के अंदर जहां पे भी रूम में आप पढ़ाई कर रहे हो,
किसी भी कोने को देखो, कॉर्नर को, y डायरेक्शन ऐसे ही x भी मिल जाएगी, x को ऐसे करके, और z डायरेक्शन x y z, ठीक है, ऐसे करके होता है। तो ये हमारे ऑर्बिटल्स होते हैं। तो p वाले के अंदर तीन ऑर्बिटल्स हैं, d वाले के अंदर पांच ऑर्बिटल्स होते हैं। अभी थोड़ी देर में बता रही हूँ, यहाँ पे लिख सकते हैं, साथ साथ थोड़ी देर बता रही हूँ। अच्छा, तो एक सबशेल में अगर आपको सबशेल दे रखा हो, उसमें पूछे कितने ऑर्बिटल्स प्रेजेंट है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स फॉर अ गिवन वैल्यू ऑफ एल, मतलब किसी एक सबशेल में कितने ऑर्बिटल्स हैं, दैट इज इक्वल टू 2l+1, दैट इज इक्वल टू 2l+1। अच्छा, अब एक बात बताओ, अगर l इक्वल टू 0 है तो ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 2l+1, 1, 1, 1, 1, l इक्वल टू 1 है तो ऑर्बिटल्स कितने हो गए, 3, 2 + 2 + 1, 3, तो इसका मतलब px, py और pz, z, L इक्वल टू 3, तो इसमें कितने हो जाएंगे, 2, 3 + 6 + 1, 7। अच्छा, मैंने 3 ले लिया, मुझे 2 लेना था, सॉरी, 1, 2 के बाद चलो यहाँ पर लिख देती हूँ, यहाँ पर स्पेस है, 2l+1 होते हैं नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स, तो L इक्वल टू 0 में 1, L equal to 1 में 2 × 2 + 1, 3, तो px, py, pz, L equal to 2 में 2 × 2 = 4 + 1, 5, तो d के होते हैं 5, dxy, d, yz, yz, dzx, zx, dx² - y² और dz² ये 5 होते हैं जिसके अंदर ना ऐसे करके होती है d की शेप, और हम लोग इसको डिस्कस भी करेंगे कि एक्स वाई की शेप कैसे होती है। जमीन सबकी एनर्जी सेम होती है? नहीं, इनकी एनर्जी, हाँ, इनकी पांचों में डीजनरेट होते हैं, इन सबकी एनर्जी सेम होती है, जो सेम, हाँ, चल बेटा, इनकी आपस में एनर्जी सेम होती है, हम वो थोड़ी देर बाद कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में पढ़ेंगे कि इनकी एनर्जी कैसे चेंज होते हैं, वो क्लास 12th का चैप्टर है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, वो वहां पर स्टडी करते हैं कि इनकी एनर्जी में भी डिफरेंस होता है थोड़ा सा, वो हम तब स्टडी करेंगे, अभी के लिए लेवल के लिए हम लोग यही मान के चलेंगे कि पांचों ऑर्बिटल्स एग्जैक्टली सेम। अच्छा, तो ये हो गया s, p, d और f, f का तो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रक्चर होता है, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल समझ में आ गया, 2l+1, और वैसे ही आपको याद भी रहेगा, p के 3 होते हैं, d के 5 होते हैं, है कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इज इक्वल टू 2 × 2l+1, और ऐसे भी आपको s में 2 आते हैं, p में 6 आते हैं, d में 10 आते हैं, f में 14 आते हैं, वो भी आप लोग को ऑलरेडी याद है। Yes, ma'am. तो फॉर्मूला मैंने फिर भी लिख दिया है आप लोग की हेल्प से, और अगर हमको सबशेल के टर्म्स में एंगुलर मोमेंटम निकालना हो तो हमको ये अप्लाई करते हैं, एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू अंडर रूट एल इंटू एल प्लस वन इज इक्वल टू एच अपॉन 2π, जैसे वहां पर था ना एम बी आर इज इक्वल टू एन एच बाई 2π, तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला अप्लाई होता है अगर आपको एल के टर्म्स में, अजीमुथल क्वांटम नंबर के टर्म्स में एंगुलर मोमेंटम निकालना हो। क्लियर? नेक्स्ट है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, इसको हम स्मॉल, हाँ, स्मॉल m से डिनोट करते हैं, ठीक है, m, और कभी कभी ना m ऐसा l भी लिखा होता है, सबस्क्रिप्ट l, ये दिया था एक साइंटिस्ट जिनका नाम है, ओके, अब ये हमको बताता है ओरिएंटेशन, हमारे जो सबशेल्स है ना उनकी ओरिएंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं, कि जो p वाला है वो ऐसे भी हो सकता है py, ऐसे भी हो सकता है px, और एक ऐसे भी हो सकता है pz, px, py, pz, ये इस तरह से हमारी ओरिएंटेशन हो सकती है, ठीक है, और ऐसे ही d का भी मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने बना रखा है, d का थोड़ा सा दिखाऊं अगर मैं, तो d
जो डी एक्स वाई होता है वो इस तरह करके होता है. अभी जहाँ पे श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को डिस्कस करेंगे ना तब डिटेल में समझाऊंगी, अभी बस ऐसे ही बता रही हूँ. जब हम डी एक्स वाई बोलते हैं तो वो एक्स और वाई एक्सिस ले लो उनके बीच में 45 डिग्री एंगल पे बिटवीन दी एक्सिस. डी एक्स वाई ऐसे बना सकते हो. डी वाई जेड बनाने के लिए क्या करोगे, ये एक्स वाई हटाकर यहाँ पर वाई जेड कर लो तो वो डी वाई जेड बन जाएगा. और अगर डी एक्स जेड बनाना हो तो यहाँ पर ये हटाकर एक्स और जेड कर लो तो डी एक्स जेड बन जाएगा, है ना. डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड एक्स ऐसा होता है. ये होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का अलोंग द एक्सिस. डिफरेंस समझ में आया, डी एक्स वाई बिटवीन था एक्सिस के 45 डिग्री एंगल पे. एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अलोंग द एक्सिस होता है. और डी जेड स्क्वायर का ना ऐसा थोड़ा सा शेप होता है, मतलब ऐसे. और यहाँ पर जो है ना कॉनिकल नोड्स, जो बच्ची नहीं बेबी सूदर जो जो बच्चों के मुंह में होता है वो जो जिससे कि बच्चे रोए ना वो जो वो सक करते थे जो बच्चे को जो मुंह में होता है बेबी सूदर बोलते हैं उसको. ऐसा सा अगर ऐसा करके निपल जैसा निकला होता है वो बाहर उसका सर्कल जैसा होता है फिर बाहर की साइड से भी होता है वो बेबी सूदर वैसी सी शेप होती है डी जेड स्क्वायर. ठीक है चलो खैर अभी वापस हम लोग उस पर चलते हैं. मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, ठीक है, ये हमको ओरिएंटेशन बताता है ऑर्बिटल्स की. इसकी वैल्यू लाई करती है माइनस एल से प्लस एल तक, माइनस एल से प्लस एल. तो एल की वैल्यू हमको पता थी 0, 1, 2, 3, 4 ऐसे करके होती है. जब एल की वैल्यू 0 है तो एम इक्वल टू 0. जब एल की वैल्यू 1 है तो एम इक्वल टू -20 + 1. बस यहाँ पे लिख लो, मैं इसके बाद टेबल अलग से ड्रॉ कर रही हूँ आप लोग को आपके सामने सामने की चीज सॉल्व कर. एल इक्वल टू 2 है तो एम की वैल्यू माइनस एल टू प्लस एल माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू. ठीक है अच्छा ये हो गया. इसके बाद स्पिन क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर हमको डिनोट करते हैं एस से या एम एस. इसका कुछ नहीं, ये सिर्फ इलेक्ट्रॉन की स्पिन बताता है कि वो क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है कि एंटी क्लॉकवाइज. और दोनों को ना हमने कुछ वैल्यू साइन नहीं कर रखी, किसी को भी आप क्लॉकवाइज बोल सकते हो किसी को भी एंटी क्लॉकवाइज बोल सकते हो. और उसको स्पिन की दो वैल्यूज है प्लस हाफ या माइनस हाफ. ये हमको बताता, अच्छा ये साइंटिस्ट का नाम है उल्हेनबर्ग, यू एल एच ई एन बी यू सी के उल्हेनबर्ग. ये बताता है इलेक्ट्रॉन की स्पिन, इसकी वैल्यू प्लस हाफ या माइनस हाफ है. और टोटल स्पिन जब भी हमें बतानी होगी तो वो हो जाती है प्लस माइनस एन बाय टू, वेयर एन इज अ नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जैसे जब हमने पी में आपने डाले, ठीक है, 1, 2, 3, 4, तो अगर हमको स्पिन निकालनी होगी ना इसकी तो एक और ये दोनों अनपेयर्ड है इन दोनों वाले, तो दो अनपेयर्ड है प्लस माइनस 2/2, तो प्लस माइनस 1 इसकी स्पिन हो जाएगी. ठीक है ये हम लोग पूछते हैं स्पिन के लिए. और स्पिन का एंगुलर मोमेंटम अगर आपसे पूछ ले तो ये क्या होता है, ये प्लीज नोट डाउन कर लो, जिसके भी घर में खटर पटर हो रही है पीछे से वो प्लीज म्यूट कर लो. स्पिन एंगुलर मोमेंटम अंडर रूट एस इंटू एस प्लस 1 इज इक्वल टू एच अपॉन 2π. फॉर्मूला अपना काम का है ये, वेयर एस इज इक्वल टू एन बाय 2. एन क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स. जो इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है वो स्पिन मल्टीप्लिसिटी भी कभी कभी पूछ लेते हैं. दिस इज इक्वल टू 2s + 1, जहां s अगेन इज इक्वल टू n बाय 2. और मैग्नेटिक मूवमेंट, ये वाला फॉर्मूला इंपॉर्टेंट है. मैग्नेटिक मूवमेंट अगर निकालना हो तो दैट इज इक्वल टू अंडर रूट n इंटू n प्लस 2. ये वाला कई बार पूछ रखा है, ये दोनों फॉर्मूला तो मैंने लिख दिए थे, ज्यादा नहीं पूछते एग्जाम में. ये फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, 12th के अंदर का चैप्टर है ना उसके अंदर कई बार ये वाला फॉर्मूला आएगा. मैग्नेटिक मूवमेंट इज इक्वल टू अंडर रूट एन इनटू एन प्लस 2. ठीक है चल अब हम बनाते हैं टेबल. ये एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एल, एल क्या होता है, एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, m मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, और s स्पिन क्वांटम नंबर. और l की वैल्यू लिख देते हैं,
एल रेंज करता है 0 to n-1 और एस की तो अपनी फिक्स है वाली प्लस और माइनस हाफ, ठीक है? जब n इक्वल टू 1 है तो l की वैल्यू क्यों आएगी 0 टू 0 यानी कि l की वैल्यू 0 1 0 ये बन गया 1s करेक्ट yes. m की वैल्यू क्यों आएगी माइनस 0 से प्लस 0 कुछ भी नहीं तो 0 ठीक है और यहाँ पर प्लस माइनस हाफ तो हम लोग इसको ऐसे बना लेते हैं एक इलेक्ट्रॉन ऐसे और एस की शेप होती है हमारी स्फेरिकल एल इक्वल टू 0, 1, 2, 3 जीरो पे एस 1 पे p, 2 पे d, 3 पे ओके यस मैम आगे बढ़ते हैं n इक्वल टू 2 की बात करते जब n इक्वल टू 2 है तो l की वैल्यू कहाँ से कहाँ लाई करेगी 0 to 1 0 to 2 minus 1 जब 0 है 2s जब 1 है 2p जब 0 है तो m की वैल्यू तो 0 यानी कि 2s जब 1 है तो m की वैल्यू -1, 0, 1, -1 to +1 तो ये हमारे बन गए 3 ऑर्बिटल्स ये समझ में आया ये हमारे सबशेल से दो सबशेल एक s और एक p ये 3 ऑर्बिटल्स हैं p के 3 ऑर्बिटल्स px py ये 0 ये -1 ले लो ये +1 अच्छा px py वो किसी को भी आप -1 किसी को भी +1 ले सकते हैं आप ऐसे लिख लो इसको चाहे तो ठीक है पर जनरली एज अ रूल कहीं लिखा नहीं है बट एज अ रूल हम कोशिश करते हैं कि pz को हम 0 ले लें ओके टू एस की शेप 6 इलेक्ट्रॉन्स मैम 2s की शेप 2s की भी शेप बेटा ऐसी होती है इसकी भी ऐसी होती है px py pz है तो इसको आप ऐसे करके बनाते हो दोनों लोब्स इक्वल साइज के px py और pz ड्रॉ करूं क्या उधर दिख नहीं रहा है शेप दिख नहीं रही है उधर साइड वो राइट में अच्छा वो सिंपल स्फेरिकल ही है गोल हाँ स्फेरिकल ऐसा यस मैम ऐसे ऐसे करके और पी की ऐसे होती है ना यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं जो ये वाले जगह होते हैं ना जहाँ पर दोनों लोब्स मिल रहे होते हैं इसको नोड कहते हैं नोड NODE नोड नोड वाली जगह होती है जहां पर इलेक्ट्रॉन की मिलने की टेंडेंसी जीरो प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन इज जीरो इलेक्ट्रॉन को मिलने की प्रोबेबिलिटी जीरो है मैम 2s 2s जरा बड़ा होगा ना 1s से हाँ वो उसमें इतना इंपॉर्टेंट नहीं है मतलब स्फेरिकल शेप इतना ही पूछेंगे एग्जाम में आपसे वो नहीं पूछेंगे उसका शेप बड़ा छोटा ठीक है यस मैम ओके n इक्वल टू 1 2 हो गया नेक्स्ट पेज पे चलते हैं 3 तो l होता है 0 टू नहीं n इक्वल टू 2 लेना था ना कौन सा 3 पता नहीं नो मैन n 3 नहीं n 2 मैम 2 हो गया था मैम 2 हो गया पिछले पेज में अच्छा सॉरी ठीक है l होगा 0 टू n माइनस 1 यानी l की वैल्यू 0 टू 0 1 2 2 तो ये होगा 3s 3p 3d 3s के अंदर अपने 0 अच्छा ओके l ये है तो m की वैल्यू हो जाएगी इधर इधर m की वैल्यू तो 0 है और इसको मैं यहाँ से शिफ्ट कर कर और इधर m की वैल्यू हो जाएगी माइनस l टू प्लस m होता है माइनस l टू प्लस l तो माइनस 1 0 1 तो ये हो गया हमारा px py pz
और डी, तो एम की वैल्यू हो गई माइनस टू माइनस वन जीरो जीरो प्लस वन प्लस टू पी पी और ये डी में कितने आ सकते हैं? देखो डी में टोटल पांच ऑर्बिटल्स है, पांच वाले ऑर्बिटल्स है, टोटल 10 इलेक्ट्रॉन आ सकती है। याद है हमने बचपन में पढ़ा था 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला, k में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो देखो k में दो इलेक्ट्रॉन आते हैं, k मतलब n इक्वल टू वन, तो दो ही इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। l शेल में आठ आते हैं, दो 2s में और छह 2p में, दो और छह आठ, करेक्ट? यस मैम। और थर्ड शेल में 18 आने होते थे 2n स्क्वायर में, तो 18 आ रहे हैं, दो और छह हो गए आठ, आठ और दस हो गए 18, ठीक है? यस मैम। आगे बढ़ू, n इक्वल टू फोर, एक बार मुझे ट्राई करो प्लीज, n इक्वल टू फोर, मैं तो पॉज कर रही हूँ बोर्ड पे, लेकिन आप लोग भी ट्राई करो। n इक्वल टू फोर, l जीरो, l इक्वल टू जीरो टू थ्री, जीरो वन टू थ्री, टू थ्री, टू थ्री एंड जीरो, फोर एस फोर टू माइनस थ्री टू प्लस थ्री, फोर टू वन, फोर एस माइनस वन माइनस वन जीरो एंड वन एंड टू माइनस थ्री माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री माइनस टू माइनस वन थ्री प्लस वन प्लस टू माइनस थ्री माइनस वन माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री। N equal to 4 में, yes ma'am, n equal to 4 में कितने होते थे? 32 याद है, 2n square के हिसाब से करते थे, 2 into 4 का square, 2n square जब भी number of electrons निकालते थे, 4 4 जा 16, 2 जा 32, देखो 4th में 32 electrons आ रहे हैं, 2 और 6, 8, 8 और 10, 18, 18 और 14, 32, ठीक है, आया सबको समझ में? Yes ma'am, n is the orbit number, s p d f are subshells, p subshell के तीन ऑर्बिटल्स होते हैं, p x p y p z, p subshell के पांच ऑर्बिटल्स होते हैं, d x y d y z d z x d x square minus y square d z square। मैं ये बताना भूल गई इधर कि इसे हमने इसके लिए लिखा था ना कि p z को आप जीरो ले लेना, बाकी प्लस माइनस वन यहाँ पर भी प्लस माइनस वन लिख सकते हैं, ये p x और p y ऐसे ही ना, हाँ डी जेड स्क्वायर को, डी एक्स वाई डी वाई जेड डी जेड स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी एक्स जेड, तो इसको कुछ भी ले सकते हो आप, इस वाले को हम ट्राई करते हैं जीरो लेने के लिए, ठीक है, बाकी में कोई भी वैल्यू ले लो, लेकिन डी जेड स्क्वायर को हम ट्राई करते हैं किसको जीरो लेने के लिए, क्लियर, समझ में आया? यस यस मैम, चलो गुड। मैं वापस व्हाइट बोर्ड वाली शीट पे आ जाऊं जहाँ पर जो हम लोग आगे क्वेश्चंस कर सके, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख सके। अच्छा ये बहुत ही आसान है, डायरेक्टली प्लीज फॉर्मूले को अप्लाई करना, डायरेक्टली आंसर करने की कोशिश करना। कितने ऑर्बिटल्स होंगे इन एन इक्वल टू टू? एक दो तीन चार, एक 2s और तीन 2p वाले, में 2s और 2p होता है, इसका एक और इसके तीन, तीन है नहीं, तो एक और तीन टोटल चार हो गए। चाहे तो ऐसे भी कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इज n स्क्वायर, फॉर्मूला फर्स्ट पेज पे लिखा था, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का,
तो फॉर्मूले मैंने लिखवा दिए हैं, लेकिन लॉजिकली करो, कभी वो चीजें याद कम से कम रखनी पड़े, है ना। एल इक्वल टू टू, एल इक्वल टू में कितने ऑर्बिटल्स होते हैं? डी में पांच। डी में पांच होता है, तो ऐसे याद कर लो, या फिर फॉर्मूला लिखवाया था 12 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 5 ऐसे करके। नहीं इजी है ना बहुत? यस मैम। चलो अब इन सबका मुझे नाम बताते जाओ, एन और एल लिख रखा है, इनका नाम बोलते जाओ। पहला वाले का क्या नाम होगा? थ्री बोल दिया मैंने, थ्री एस, टू पे डी, दूसरे वाले का फोर बी। चलो बताओ पहले वाले का थ्री एस फोर बी, फोर बी सिक्स बी, फोर एस, फोर एस, थ्री एफ, थ्री डी, थ्री एफ, एफ, नो मैम, नो मैम, काट देंगे कि मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। यस मैम। ये टू एफ नहीं होता, टू एफ नहीं, टू एफ डज नॉट एग्जिस्ट, फाइव एस, फाइव एस, फाइव एस, फाइव एस, टू फाइव, टू डी, करेक्ट। यस मैम। समझ में आए सबको? शेल, शेल के अंदर सबशेल, सबशेल के अंदर ऑर्बिटल, बाकी कुछ नहीं। और ऑर्बिटल्स के अंदर दो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, उनकी ऑपोजिट स्पिन होती है, प्लस हाफ और माइनस हाफ, स्पिन क्वांटम नंबर कह देते हैं। यस मैम। अब हम बात कर रहे हैं, हमारे पास टाइम बचा हुआ है ना, वी हैव 5 मिनट्स, फटाफट से जो है ना ये वाली चीज पे सीख लेते हैं। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन के तीन रूल्स है, ऑफबॉ रूल, पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल और हंड्स रूल, ठीक है। ऑफबॉ जो है, पता नहीं कुछ बच्चे बोलते हैं कि साइंटिस्ट का नाम है, कोई साइंटिस्ट का नाम नहीं है। ऑफबॉ जो है सिंपली ना एक वर्ड है, जर्मन, ग्रीक, लैटिन, कोई वर्ड है जिसके अंदर मतलब होता है कि हम इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना एक पर्टिकुलर ऑर्डर कॉन्फिगरेशन, हाँ ठीक है, मतलब इलेक्ट्रॉन्स को फिल करना। ऑफबॉ साइंटिस्ट का नाम नहीं है, पॉली और हंड्स वो साइंटिस्ट का नाम है। ऑफबॉ क्या है? सिंपली कोई बाहर की लैंग्वेज का वर्ड है जिसके अंदर हम एक ऑर्डर में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करें। तो उन्होंने ये बोला, जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखते थे, जैसे अभी तक आप सोडियम की लिखते थे ना, अभी तक छोटे उसमें तो लिखते थे 281, लेकिन ये हमें उनका 3D ओरिएंटेशन पता है, ये तो 2 डायमेंशन के हिसाब से लिखते थे ना, KLM 281, अब हम 1s2s2 करके लिखेंगे। तो उन्होंने ये बोला, जब आप इलेक्ट्रॉन्स को लिखोगे तो आपको क्या करना है, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी में भरो इलेक्ट्रॉन, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल्स। देखो यहाँ पे लिखा है, इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन वेरियस सबशेल्स। सबशेल्स क्या होता है? 2s, 2p, 3s, cp, 3d, 4s, ये सारी चीजें सबशेल्स, कोई ऑर्बिटल्स की बात नहीं कर रहा है, क्योंकि ऑर्बिटल्स की एनर्जी सेम होती है। इलेक्ट्रॉन्स आर फिल्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सबशेल्स, ठीक है, इंक्रीजिंग एनर्जी के ऑर्डर में सबशेल्स, और इनका एक ऑर्डर भी है ये, तो याद नहीं करना है इसको। एक तरीका होता है, एक ट्रिक, दो ट्रिक्स होती है, कोई भी आप यूज कर सकते हो, ठीक है। 1s की एनर्जी सबसे कम, हमें ये तो पता भी थी, अभी तक हम लोग जब बोर ऑर्बिट के हिसाब से कर रहे थे, उन्होंने 2-dimensional बोला था, तो उन्होंने बोला n इक्वल टू 1 की सबसे कम एनर्जी, फिर n इक्वल टू 2 की थोड़ी ज्यादा एनर्जी, जैसे -13.6 थी, फिर -3.4 है ना, फिर -0.8 ऐसे कुछ थी, -2 पता नहीं, -1.51 थी सॉरी, फिर -0.8 थी, और दूर जाते जाते तक जीरो। तो n इक्वल टू 1 की सबसे कम एनर्जी, फिर n इक्वल टू 2 की थोड़ी ज्यादा एनर्जी, n इक्वल टू 3 की और ज्यादा एनर्जी, एंड सो ऑन, इनफिनिटी पे एनर्जी जीरो। तो हम लोग जब भी इनर शेल से बाहर की तरफ चल रहे हैं तो एनर्जी हमारी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है। उसी बात को हम सबशेल्स के टर्म्स में कह रहे हैं, तो 1s, फिर 2s 2p, फिर 3s 3p 3d, फिर 4s 4p 4d, इस तरह कर बात करें, ठीक है। अब उसके इसका स्कूटर चल रहा है, ऐसे देखो ध्यान से, आप फोकस करो, ठीक है, ऐसे करके हमको लिखना है। और उसको ना एक ये होती है, इसको बोलते हैं क्लेक कोवास्की सीरीज, क्लेक कोवास्की सीरीज। उन्होंने क्या बोला, रोज में जो है ना लिख लो, 1 केवल 1s बनाता है, 2 हमारा 2s 2p बनाता है,
थ्री हमारा थ्री एस थ्री पी थ्री डी, फोर हमारा फोर एस फोर पी फोर डी फोर एफ, फाइव फाइव एस फाइव पी फाइव डी फाइव एस, सिक्स एस सिक्स पी सिक्स डी सिक्स एस, सेवन एस सेवन पी सेवन डी सेवन एस. फिर क्या करो उसको काटते जाओ ऐसे, एक तो वन एस की एनर्जी सबसे कम, फिर टू एस, फिर टू पी, फिर थ्री एस, फिर थ्री पी, फिर फोर एस, थ्री के बाद थ्री डी नहीं आया, थ्री पी के बाद फोर एस आ गया, फिर थ्री डी, फिर फोर पी, फिर फाइव एस, फोर डी बाद में आ रहा है. ये सब समझ में आई क्लेट कुवास की सीरीज? यस मैम. ठीक है, तो ये हमारा फाइनल ऑर्डर आता है, 1s 2s 2p 3s 3p 4s 3d 4p 5s 4d 5p 6s, ये आप लिख लो प्लीज. और इसको अगर याद ना भी रहे ना ये वाली चीज, मतलब क्या, तो ऐसे करके लिखो या फिर n प्लस l रूल होता है ये, जिसकी n प्लस l की वैल्यू कम उसकी एनर्जी कम. सीधा सा इधर 1s में लिखू n प्लस l की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 प्लस 0, s की वैल्यू क्या होती है, 0 0 है ना, s p e f, l की वैल्यू होती है 0 1 0 1 2 3, इधर 1 प्लस 0, इधर क्या आएगी बच्चों, तो जिसका एन की वैल्यू छोटी है तो इसलिए टू पी फिर थ्री एस. ओके यस मैम. चलो अब इधर थ्री पी में बताओ एन प्लस एल की वैल्यू, फोर मैम, फोर इधर मैम, फोर देखो इधर में भी आया, तो थ्री और फोर के अंदर जो है थ्री पी छोटा है, तो थ्री पी पहले भरेगा फिर फोर पी भरेगा, फोर एस भरेगा. अब थ्री डी में बताओ थ्री पी फोर कैसे है, कौन सा थ्री पी, थ्री पी, थ्री पी के अंदर बेटा एन की वैल्यू थ्री और पी की वैल्यू वन, थ्री प्लस. अच्छा जी जी ठीक है. थ्री डी फाइव, फोर पी बताओ बच्चों, फाइव, फाइव एस, तो जिसका एन छोटा थ्री डी फिर वो पहले फाइव एस. ठीक है, चलो फोर्टी का सिक्स, फाइव पी का बच्चो सिक्स, एस का सिक्स, फोर एस का सेवन, सेवन तीनों में आ रहा है, तो पहले 40 भरना फिर 5 पे फिर 6s. ठीक है, चलो बच्चों ये पूरा का पूरा टेबल लिख लेना, हम लोग आज की क्लास ओवर कर रहे हैं, 3:30 हो गए बच्चों. ठीक है, हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, नेक्स्ट क्लास में अपना ये वाला चैप्टर फिनिश हो जाएगा.